दिल्ली में जिस तरीके से कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी में जो मुकाबला है आमने सामने है, बनारस के लोग उसको लेकर क्या सोचते हैं? क्योंकि जो राजनीति का जो सियासत है, जो रास्ता है, बिहार और यूपी होकर ही दिल्ली पहुंचता है। ये बताइए कि दिल्ली में जिस तरीके से राजनीतिक सरगर्मी लगातार बढ़ता जा रहा है, कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी को लेकर क्या कहेंगे, क्या मानते हैं इन दोनों नेताओं को? कन्हैया कुमार जन्म से नेता है और मनोज तिवारी जी अपना गायक होने के बदौलत नेता बन गए हैं। इस बार जो है मनोज तिवारी जी को बहुत कड़ी टक्कर कन्हैया कुमार जी देंगे, क्योंकि वहाँ पे जो अल्पसंख्यक हैं बहुत ज़्यादा हैं और बाकी मनोज तिवारी जी जीतेंगे तो आदरणीय मोदी जी के कामों से, उनके मतलब विकास कार्यों से। मनोज तिवारी जी का व्यक्तिगत परिस्थिति जो है अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि मनोज तिवारी ने बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे जो दिक्कतें थी उसको उनको दूर दिया। जब इतने सारे काम करने के बाद उनको इतनी कठिनाई का सामना करना पड़ा है, ऐसा क्यों? अगर काम किए होते तब तो ये सवाल ही नहीं उठता। काम नहीं किया गया तभी तो ये सवाल उठ रहा है। काम उन्होंने ढंग से किया होता तो बिल्कुल ये सवाल नहीं उठता। तो ये 5 साल किए क्या है मनोज तिवारी दिल्ली के लिए? अब जैसे मोदी जी के नाम पे पूरे हिंदुस्तान में जो खराब प्रदर्शन वाले सांसद है वो भी जीतेंगे, वही होगा। उनका सबको मोदी जी का ही आसरा है, इस सरकार के कार्यों का ही आसरा है। बाकी उनका व्यक्तिगत बहुत से ऐसे लोग हैं भाजपा में जो कि अपना अच्छा नहीं कर रहे हैं और सिर्फ मोदी जी के आसरे हैं। मोदी जी के आसरे, ये कब तक चलेगा? मान लीजिए मोदी जी तो भी एक समय तक ही रह सकते हैं, किसी का जो वर्चस्व होता है एक समय तक होता है, जब वो वर्चस्व खत्म हो जाएगा तो ऐसा लगता है आपको या मानते हैं क्या कि भारतीय जनता पार्टी का भी वर्चस्व खत्म हो जाएगा? नहीं नहीं, भाजपा में नेताओं की भरमार है, उनकी सेकेंड लाइन तैयार है। अभी से योगी जी होने लगा, अभी से अमित शाह जी होने लगा, तो हमें तो लगता है कि अमित शाह जी अगर होंगे प्रधानमंत्री तो इससे बेहतर कार्य हो। अच्छा, मोदी जी से बेहतर काम करेंगे? बिल्कुल। ठीक है, आप क्या मानते हैं दिल्ली की राजनीति को क्या कहेंगे? भैया एक देशभक्त है, एक देशद्रोही है। कन्हैया कुमार देशद्रोही है, वो कोई देशभक्त तो है नहीं। वो ये आप कैसे जजमेंट कर लिए कि एक देशभक्त हैं और भारत तेरे टुकड़े होंगे का हिस्सा है? वो तो कहता है कि अगर इस तरीके के बयानबाजी किए हैं तो कहाँ पुलिस हुई है, मोदी योगी की पुलिस कहाँ से हुई है, पकड़ ले उन्हें। कानून में कुछ पेच है, वरना बोला तो वही है। और चुनाव रिजल्ट आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। अभी तो मार खाया है, मारे क्यों मार खाया? अपने गलती की वजह से मार खाया ना। जो मतलब ये जो मार खाना, जो कैजुअलिटी है, ये जो घटना है, उसको आप सही मानते हैं क्या? ऐसा होना चाहिए? ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन यदि जनता में आक्रोश यदि आप पैदा करते रहेंगे, आप अंडा बंडा बोलते रहेंगे तो फिर मार खाने की ही नौबत आएगी। बनारस और दिल्ली दोनों एक हाई प्रोफाइल जगह है। बनारस अध्यात्म के लिए जाना जाता है, वहाँ के लिए बहुत सारी चीज़ें करें। क्या लगता है कि यहाँ से क्या समीकरण बदलेगा जो दिल्ली तक पहुँचेगा? यहाँ से समीकरण तो क्लियर है। यहाँ से पूरे पूर्वांचल का समीकरण बदल रहा है। यहाँ से पूरे पूर्वांचल का समीकरण बदल रहा है। ठीक है, दिल्ली की राजनीति को क्या कहेंगे आप? दिल्ली की राजनीति में देखिए, वहाँ इतना खिचड़ी हो गया है, इतना विरोध है अच्छाई और बुराई का, कि वहाँ कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरा ये मानना है कि दिल्ली की जनता ये समझे कि वहाँ जो अच्छे लोग हैं उनको वोट दे और एक अच्छी सरकार चुन करके लाएँ। मेरा यही मानना है, बाकी अच्छाई बुराई जनता वहाँ के नेताओं के बारे में वो अच्छी तरह जानती है। अच्छा, आप दोनों नेताओं कन्हैया कुमार हो गए, मनोज तिवारी हो गए, दोनों में से एक को चुनना हो तो किसको चुनेंगे? हम तो मनोज तिवारी को चुनेंगे। मनोज तिवारी में क्या रखा है? अभी आपके सहयोगी ले बहुत सारे लोग बताएं कि मनोज तिवारी ने कुछ भी नहीं किया, ये तो सिर्फ मोदी जी की देन है कि वो जीत गए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हम भी यही कहेंगे कि मनोज तिवारी कुछ किया या न किया, लेकिन मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं एक सांसद होने के नाते, हमें मोदी जी को मजबूत करना है, इसलिए हमने मनोज तिवारी को जो है पसंद करते हैं। मनोज तिवारी, लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कन्हैया कुमार एकदम अध्यक्ष रह चुके हैं पूर्व में,
बहुत सारी चीज़ें उपलब्धियां हैं, उतना उपलब्धियां मनोज तिवारी के पास नहीं है। ऐसा कुछ उपलब्धि हमें समझ में नहीं आता है कन्हैया कुमार में क्या उपलब्धियां हैं। उसके गलत स्टेटमेंट्स की वजह से और विरोधी बयानों से वो किसी भी मेरे ख्याल से एक देशभक्त नागरिक के लिए वो अच्छा नहीं है। आप क्या कहेंगे भाई? दिल्ली के राजनीति के लिए तो इस समय दिल्ली की जनता ही वहाँ पे पूरा जो है विधानसभा में कल कह दिया कि केजरीवाल और लोकसभा में तो मोदी, कल ये खुल के कह दिया वहाँ की जनता ने। तो आप देखिए किस तरीके से मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार को लेकर बनारस की जनता क्या बताई, आप खुद सोच रहे देखिए, आप खुद बताइए कि ये जो रिपोर्ट है, ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आपको कैसा लगा? विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, विशेष बातें कर रहे थे, ग्राउंड जीरो से बात कर रहे थे, तो हमारे साथ मैनेजर न्यूज बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।